बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाऊंगी भिंडियाँ। भिंडियों के लिए मैंने इधर प्याज ले लिए हैं, टमाटर लिए हैं, भिंडियाँ ये हैं, ठीक है। इतनी सी भिंडियाँ आज बनाऊंगी। उसके लिए मैंने अनारदाना पीसा, कुटा ज़ीरा और सूखा धनिया, इधर नमक लिया है और ये नमक मिर्च लिया। अब मैं बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ भिंडियाँ। ये देखें जी, ऑयल डाला था कढ़ाई में और अब मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया। हमेशा भिंडियों में प्याज बहुत ज़्यादा डलते हैं, तो इनको हम फ्राई करेंगे, फिर इसमें टमाटर ऐड करेंगे, उसके बाद मसाला जब रेडी होगा तो हम भिंडियाँ ऐड कर देंगे अंदर। जी हमारे प्याज जो हैं नरम हो गए, इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करते, ज़रा नरम करके साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। ये देखें जी, मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिया। टमाटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने नमक मिर्च रखी हुई थी वो ऐड करेंगे। ये देखें जी, इसके अंदर नमक मिर्च ऐड कर दी है, इसको हम पकाएंगे। और अनारदाना जो है थोड़ी देर तक ऐड करेंगे, जब ये मसाला पूरा टमाटर जो है इसके अंदर ठीक हो जाएंगे। यानी कि पक जाएंगे टमाटर। ये देखें जी, मसाला जो है टमाटर बिल्कुल ठीक हो गए हैं इसके अंदर। अब जो है इसके अंदर मैं हरी मिर्चें बताना भूल गई थी, हरी मिर्चें ऐड करूँगी लंबी लंबी काट के, और अनारदाना ऐड करूँगी। ये देखें जी, तीन हरी मिर्चें ली थी लंबी लंबी, दरमियान से कट लगा लिया। अब ये जो अनारदाना है इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, भिंडियाँ ऐड कर दी हैं मैंने, बहुत अच्छी और मज़ेदार लग रही हैं। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं, मैंने बहुत लाइट ही नमक मिर्च ऐड की है। अब हम इसको रखेंगे थोड़ी देर दम पे, उसके बाद आपको दिखाऊंगा प्लेट में डाल के कैसी लग रही है। ये देखें जी, ये देखें जी, मेरी भिंडियाँ बन के तैयार हो गई हैं, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार बनी हैं। और मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।